मेरे खिलाफ कई साजिशें हुई। पहली साजिश से हुकूमत हटाई गई, फिर रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया गया, तमाम ऑडियो रिकॉर्ड करा दी जिसमें इन चारों के नाम लिए हैं जो साजिश में शामिल थे। कौम इन चार अफराद को नहीं छोड़ेगी। इमरान खान का सरगोधा में जलसे से खिताब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का तोशाखाना केस खुली अदालत में सुनने का मुतालबा, कहा मेरे साथ जरदारी, नवाज शरीफ और गिलानी के केसेस भी सुने जाएँ। नाज़रीन के दिलों पर बोल का राज, मुल्की और गैर मुल्की नाज़रीन को सिर्फ बोल पर एतमाद क्योंकि बोल है हक और सच की एहसास। तहरीक इंसाफ का सरगोधा में जलसा, बोल न्यूज़ छा गया, भरपूर कवरेज, हर जाविये से खबर निगारी, माहिरीन के तजदीये तबसरे, सोशल मीडिया पर भी बोल न्यूज़ का बोलबाला। सैलाब आ गया, ये कहते हैं खामोश होकर बैठ जाओ, सैलाब मुतासरीन की इनसे ज़्यादा मदद करूंगा लेकिन इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा, कप्तान ने वाज़े कर दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वुकला कन्वेंशन से खिताब में कहा इनकी जड़ें मुल्क में फैली हुई हैं, इनकी पूरी कोशिश है कि हम इन्हें तस्लीम कर लें, भेड़ बकरियों की तरह इन्हें तस्लीम नहीं किया जा सकता। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों को बड़ा धजका, एटीसी में इमरान खान की जमानत में तौसी, 1 लाख मचल को केवज, 12 सितंबर तक पूरी जमानत मंजूर। फाजिल जज ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमे में कहा कोई सेक्शन रह गया है तो वो भी लगा लें, 788 जुर्म के बगैर कभी दर्ज हुई, बताना होगा कौन सी क्लैशन कोफ ली गई, कौन सी खुदकुश जैकेट पहनकर हमला किया गया। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की तरमीम शुदा दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर, वकील ख्वाजा हारिस के इब्तदाई दलाइल, आइंदा समाअत से बाज़ाब्ता दलाइल शुरू करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अताबंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हकीकत है लोग टैक्स गोशवारों में मुकम्मल असासे और आमदन जाहिर नहीं करते। सैलाब के बाईस इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने पर गौर, इन 9 हलकों के इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं जहां से इमरान खान उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक अहम इजलास आज तलब कर लिया। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा, अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। बेरहम इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे महंगा कर दिया, नई कीमत 235 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई, लेवी 20 से बढ़ाकर 37 रुपये 50 पैसे फी लीटर कर दिया। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 99 पैसे, लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 79 पैसे फी लीटर इजाफा, मिट्टी का तेल 10 रुपये 92 पैसे से बढ़कर 210 रुपये 32 पैसे फी लीटर हो गया। मुल्क में महंगाई एक्सप्रेस आउट ऑफ कंट्रोल, गिरानी के 47 साल रिकॉर्ड टूट गए, सिर्फ अगस्त में शरह 2.4% बढ़ी, 27.3% पर पहुंच गई। फल, सब्जी, दाल, चिकन कुछ भी गरीब की पहुंच में ना रहा, एक साल में बिजली 123, पेट्रोल की कीमत में 84% का होशरबा इजाफा हुआ। और मुल्क के सबसे बड़े सूबे में सैलाब से सबसे बड़ी तबाही, बलूचिस्तान में सब तहस नहस, बुलान, योब, दुखी, पुजदार, कोहलूकीच और मस्तोंग समेत कई अजला में सूरत हाल इंतहाई अबतर, राबता सड़कें बहाल ना होने से तिब्बी इमदाद में दुश्वारी। सूबे में अमवात की तादाद 256 हो गई, सिंध में रेलों से कई देहात जेर आब, मकीन दरबदर, खैरपुर नाथन शाह, पानी पानी, शिकारपुर के कई गाँव हुकूमती इमदाद के मुंतजर, कोहिस्तान, सवार, टांग, डी आई खान, कर्क और लकी मरवत शदीद मुतासर, 264 अमवात रिपोर्ट, सैलाब मुतासरा 17 अजला में नाफिज इमरजेंसी में 30 सितंबर तक तौसी। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।